गिरने से 4 बच्चों की मौत, कुल बच्चे 24 थे सवार। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। शाजापुर जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर बच्चों को ले जा रही वैन कुएं में गिरी, जहां 4 बच्चों की दर्दनाक तरीके से मौत हुई। नागपुर कामठी में 14 वर्षीय किशोरी से किया बलात्कार। नागपुर कामठी से 14 वर्षीय किशोरी से बलात्कार करने का मामला सामने आया है। किशोरी को घर में अकेली रहने के दौरान परिसर में रहने वाला युवक ने घर में घुसकर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपी आशीष दीनदयाल मोजे 19 वर्ष का बताया जा रहा है। माता पिता किसी काम से बाहर गए थे, इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने किशोरी के साथ बलात्कार किया है। आरोपी के ऊपर मामला दर्ज किया है, विविध धाराओं तक लगाए गए हैं। वहीं अर्जुनी मोरगांव में हत्या का आरोपी बड़ा भाई गिरफ्तार हुआ है। ग्राम सिरोली महागांव में 15 अक्टूबर को अपने ही छोटे भाई की हत्या कर देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब हत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया तो ज्ञात हुआ कि आरोपी सिरोली निवासी मोरेश्वर उर्फ मंगेश संपत राउत 30 साल का बताया गया है। जहां वह कोई काम धंधा नहीं करता था, उसे शराब की लत थी, जिसके कारण घर के लोग हमेशा उसे घर से जाने को कहा करते। इसी बात का गुस्सा मन में रखते हुए उसने सगे छोटे भाई ललित संपत राउत को जब वह सो रहा था तब मां की उपस्थिति में ही हत्या कर दी। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उपविभागीय पुलिस अधिकारी देवरी कार्यालय के प्रमुख उप निरीक्षक इसको ने अपने स्टाफ व अर्जुनी मोरगांव पुलिस स्टाफ के साथ मिलकर 16 अक्टूबर को आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।